अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, आज इस बाज़ार में मैं आया हूँ, वो मंगल बाज़ार है। ये मंगल बाज़ार लगता है तुरंगी लांडी नंबर 3 पे। ये एजुकेटर्स स्कूल है, इसके बिल्कुल सामने ही जो है ना वो बाज़ार लगता है। अब इस बाज़ार के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें किस रेट के हिसाब से मिल रही हैं, क्या प्राइस रेट यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। सारी चीज़ें हम लाइन बाई लाइन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इन लोगों से पूछेंगे कि क्या प्राइस चल रहे हैं इस वक्त और मार्केट की क्या कंडीशन है। अभी जैसा आपको पता है कि ईद जो है वो कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुई है। ईद के बाद जो है यहाँ पर जो है शादियों के सिलसिले और दूसरा क्या कहते हैं अभी जो ईद दूसरी आने वाली है ईद, उसके सिलसिले जो है ना यहाँ पर अभी शुरू हो चुके हैं। अभी इस वक्त जो मार्केट का टाइम चल रहा है वो तकरीबन 5 बज रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर 5-5:30 बजे का टाइम जो है इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और मार्केट में इस वक्त क्या रश है ये मैं आप मार्केट में इस वक्त क्या रश है मैं आपको दिखाता चलूँ। अगर यहाँ पर देखें तो मेकअप का सामान वगैरह सारी चीज़ें ये मंगल बाज़ार में लगी हुई हैं लाइन से। यहाँ पर लिपस्टिक है, चिपस्टिक है, उसके साथ जो है यहाँ पर मेकअप का सामान है, ऑयल कंट्रोल और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। लिपस्टिक वगैरह, चिपस्टिक वगैरह ये आ गई सारी, ये बड़ी खूबसूरत करके चीज़ें यहाँ पर सजाई हुई हैं। साथ में लिपस्टिक वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर ये इसकी क्या रेट है, आईब्रो पेंसिल है 50 रुपये की। और ये नेल पॉलिश वगैरह कितने की चल रही है? सही हो, ये इसमें कोई सेल वगैरह लगाई हुई है या 100-150 की? सारी चीज़ें 100-150 की चल रही है इस वक्त। अच्छा भाई, तो भाई बता रहे हैं कि ये जगह जितनी भी है वो सारी 100 रुपये की यहाँ पर इस वक्त मिल रही है, जिसमें मेकअप का सामान है, परफ्यूम है आई थिंक सो, एंड देन उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, पफ वगैरह भी है। अच्छा, यहाँ पर जो है 50 रुपये का ये सारा जो कुछ मिल रहा है, ये आप जितना भी देख रहे हैं सब इस वक्त मार्केट में यहाँ पर 50 रुपये का मिला है। लिपस्टिक हो गया, पिन्स हो गई, ये पेंसिल्स के जिस तरीके से स्टाइल लगाया हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर 50 रुपये का मिल रहा है। और ये देख सकते हैं ये चीज़ क्या है, ये चीज़ देखते चलें, ये चीज़ क्या है, ब्लीच ब्रश है 50 रुपये का। उसके साथ पफ हैं, ये देखो भाई हर तरह के पफ वगैरह यहाँ पर लड़कियों के मौजूद है। ये सब 50 रुपये का यहाँ पर मंगल बाज़ार के अंदर जो है इस वक्त मिल रहा है। कहीं 50 की चीज़ें हैं और ये वहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो 100 रुपये की, हर चीज़ इसमें मौजूद है। लिपस्टिक, चिपस्टिक, नेल पॉलिश, पफ, पाउडर, परफ्यूम, आई लैशेज, आई लाइनर, हर चीज़ है ना यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं पाउडर वगैरह भी। अच्छा, ये इसके क्या रेट है? 80 रुपये का चल रहा है। ये 1000 का है? क्या बात है, ये वाला जो है ना 200 का है, ये वाला 200 का है, ये वाले जो है पैड्स में वो 200 के बटरफ्लाई के। ठीक हो गया जनाब भाई, ज़बरदस्त करके जो है ना पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखते चलें पूरा बाज़ार में इन्होंने हर चीज़ यहाँ पर खूबसूरती से लगा दी है, सजा दी गई है। मेकअप का सामान भाई, मेकअप का सामान यूँ भी ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे शादियाँ आ रही हैं, फिर आगे ईद है, तो उसमें ज़रूर लाजमी कहीं ना कहीं जो है ना वो मेकअप के सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर अगर आप चूड़ियाँ देखें, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी जो है ना वो करके चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर लगाई हुई हैं। स्टार्टिंग रेट भाई ने बताया है 150-150 रुपये से लेकर 350-400 रुपये तक जो है इस वक्त चूड़ियों का रेट जो है यहाँ पर चल रहा है। अब ये देखें बड़ी खूबसूरत हर तरह की चूड़ियाँ यहाँ पर जो है मार्केट में मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत करके। अगर आप ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चूड़ियाँ लग रही हैं, तो यहाँ पर हर तरह की चूड़ियाँ मौजूद हैं क्योंकि अभी वैसे ही आगे आपको पता है शादियों के सिलसिले शुरू होने वाले हैं, ईद के सिलसिले दोबारा से शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हर जो है ना वो प्राइस रेट इस वक्त अच्छे रेट में यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो चूड़ियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप ये देखें अच्छा, ये भी देखें आप कितनी खूबसूरत, ये देखें पूरी ब्राइडल जैसी जो है ना चूड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर कलर में मौजूद हैं, ग्रीन कलर का शर्ट दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर रेड कलर का दिया हुआ है, बड़ी जो है ना वो खूबसूरत चूड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अगर आप ये देखें छोटे बच्चों की भी चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, ग्रीन कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, हर चीज़ हर कलर की यहाँ पर चूड़ियाँ मौजूद हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि 250 रुपये से लेकर 350-400-500 इस तरह से जो है ना वो चूड़ियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा जी, तो हमें यासर भाई मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासर भाई, ठीक ठाक हैं? शुक्र है। अच्छा यासर भाई, मैं देख सकता हूँ कि बड़ा खूबसूरत करके कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पर लगाया हुआ है, बड़ा सजाया हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त कोई सेल वगैरह चल रही है यहाँ पर? जी सेल है, ये 150 के दो हैं। क्या चीज़ें 150 की दो हैं? ये आइटम सारे यहाँ से लेके ये लिबलोस तक। अच्छा, यानी कि ये जितने भी यहाँ पर आइटम इस वक्त मैं देख सकता हूँ ये सब 150 रुपये के दो दे रहे हैं आप? 150 के दो। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मार्केट में ये कितने तक के मिल रहे होंगे ऑलमोस्ट? मार्केट में ये 150 का एक है।
150 का एक और यहाँ पर 150 के दो चल रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, और यहाँ पर नेल पॉलिश और ये पफ वगैरह का इसका क्या हिसाब है? ये भी 150 के दो हैं, ये 100 के हैं। ये 100 का जी, गुड हो गया। और नेल पॉलिश भी 150 के दो है जी, क्या बात है यार। अच्छा, यहाँ पर ये जो ये पड़े हुए फेस पाउडर वगैरह एवरीथिंग, इसके क्या रेट चल रहे हैं? ये 250 का भी है, 200 वाला भी है, 250 वाला भी है, 200 वाला भी है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा लड़कियाँ ले रही हैं इस वक्त? ज़्यादातर तो यही चलता है, ज़्यादातर लिपलोस वगैरह हो गए, लिपस्टिक वगैरह हो गई, ये हाइलाइटर वगैरह हो गए और नेल पॉलिश हो गई, यही चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पर ये परफ्यूम वगैरह बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत सजाए हुए हैं, इनके क्या नाम है? डिलिशिया का जो परफ्यूम है, क्या प्राइस है? सॉरी, इसके प्राइस हैं 150 रुपये का, 150 रुपये का इस वक्त एक मिल रहा है जी, गुड हो गया। और यहाँ पर ये जो बॉडी स्प्रे रखे हुए हैं, ये भी 150 का है, ये भी 150 रुपये के, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे ईद अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है, क्या उससे बिजनेस को इफेक्ट हुआ है, लोगों का रश में कमी वगैरह होने जी, से जी, बहुत बहुत। अच्छा, और अभी हम ये जानते हैं कि दूसरी ईद आने वाली ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के बाद ईद है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाला दोबारा से वो मामला शुरू होगा पिछले साल के मुकाबले में? इंशाल्लाह। अच्छा, और बारिश का क्या कहेंगे? बारिश का बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, काफी पहले भी 2 दिन पहले बड़ी तेज तरार बारिश हुई है जी। जी जी, बारिश हो जाती है ना, असल में हम लोग फिर ग्राउंड में पानी भर जाता है, फिर काम जो है ना खराब हो जाता है। सही सही सही, 100 रुपये। तो अभी अगर बारिश होती तो कोई इंतजाम वगैरह किया हुआ या पैक होना है सारा? नहीं नहीं, इंतजाम है। क्या बात है, थैंक यू सो मच यासिर भाई। तो मार्केट में हमें अली रजा मिले, मेरा नाम भी अली रजा और इनका नाम भी अली रजा। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बड़े खूबसूरत ड्रेसेस वगैरह लटके हुए हैं, इसमें क्या रेट चल रहे हैं बाहर के हिसाब से, यहाँ कितने की सेल चल रही है, थोड़ा सा हमें बताएंगे इस बारे में? भाई देखो, सेल के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो फिर कभी काम अच्छा भी होता है तो कभी काम हल्का भी होता है। ये बात तो है, लेकिन जैसे अभी हम जानते हैं ना कि अभी ईद तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद शादियों के सिलसिले भी शुरू हो रहे हैं, उसके बाद सिलसिले हैं तो फिर वो हाँ, उसके बाद ईद के भी शुरू होने वाले हैं, अभी 1-2 महीने बाद फिर से ईद हो रही है, तो उस हिसाब से अभी कोई सेल वगैरह लगाई हुई या अभी इस वक्त नॉर्मल रेट चल रहे हैं? अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। अच्छा, क्या स्टार्टिंग कितने से हो रही है, कितने पे खत्म हो रही है? समझ लिया, 2500 रुपये से स्टार्टिंग है, 2500 रुपये से स्टार्टिंग है। ये जो ऊपर छोटे छोटे बच्चों के बड़े खूबसूरत करके जो फ्रॉक्स वगैरह टाइप इस तरह लगाए हैं, इनके क्या रेट चल रहे हैं सर? ये वाले हाँ, ये सारे लाइन से लगे हुए हैं, ये वाला सब 2250 रुपये के रेट हैं, 2250 रुपये के। और ये जो सामने छोटे छोटे बच्चों के, ये वाले हाँ, ये लाइन मुझे लगे, आपको मिलेंगे 950 के, 950 रुपये की, क्या ही बात है। अच्छा, ये बताएं कि क्या अभी ईद, जैसे आप देख सकते हैं कि ईद अभी ख़त्म हो चुकी है, क्या इससे बिजनेस को इफेक्ट हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कारोबार सही चल रहा है अभी भी? कारोबार, क्या बात है भाई, पहला बंदा मिला माशाल्लाह जिसका कारोबार सही चल रहा है, क्या बात है। अच्छा, ये बताएं इसके अलावा और कोई आपके पास साइज वगैरह या वैरायटी वगैरह होती है? इसके अलावा भी होती है, मतलब फैंसी वैरायटी भी होती है, कोई नॉर्मल भी होती है, हर तरह की वैरायटी रखना पड़ती है क्योंकि ये बचत बाजार है। बचत बाजार, अच्छा, इसको मंगल बचत बाजार के नाम से कहते हैं, लांडी 3 नंबर पे लगता है, लांडी कुरंगी की जितने भी बाजार हैं सब बचत बाजार के नाम से मशहूर है। क्या बात है यार, जबरदस्त, नाइस हो गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े जबरदस्त करके लड़कियों के, छोटी बच्चियों के ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर जो है ना वो लगाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेट जो है, डिफरेंट प्राइस रेट जो है ना यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें खूबसूरत बच्चों के, छोटे बच्चों के, बड़े के, सारे ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कोई सेल यहाँ पर नहीं लगी हुई, उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि सेल अभी आगे जाके लगाएंगे, लेकिन फिल वक्त जो रेट है वो उन्होंने बता दिया कि 2500-3000 ऐसे जो है ना वो स्टार्टिंग रेट है। ये इनकी शॉप है और यहाँ पर भी इन्होंने माल रखा हुआ है सारा। अच्छा जी, मार्केट में हमें शाह महमूद कुरैशी साहब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक है, अल्लाह करम। अच्छा, मैं देख सकता हूँ माशाल्लाह बड़े खूबसूरत ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर आपने लगाए हुए हैं, इस वक्त इनके क्या रेट वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर, अगर बताएंगे स्टार्टिंग और एंडिंग जो है? रेट तो सर पहला सस्ता था, अभी रेट बढ़ गया महंगाई की वजह से, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। पहला आता था 1500 रुपये का, 2000 का, अभी 2000 वाला चीज़ आता है 3000 का, 1500 वाला चीज़ आता है 2000 का। अच्छा, ये जो ऊपर वाले सेक्शन में जितने लगे हुए हैं इनकी रेट अलग अलग है? अलग अलग अलग। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये रेड वाले की स्टार्टिंग में बात करें, ग्रीन वाले की क्या रेट चल रहा है? ग्रीन वाला पहला मिलता था सस्ते टाइम में 2500 का, अभी हो गए 3500 का। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो ड्रेसेस वगैरह लगे हुए, ये सारे ब्राइडल जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले बड़े जबरदस्त करके ड्रेसेस चल रहे हैं, इस वक्त जो सबसे सस्ते में ऊपर कौन सा मिल रहा है? सस्ते वाले में सिर्फ ये होते हैं, ये वाला, इसके क्या रेट चल रहा है? 2500 रुपये। अच्छा, ये जो रेड वाला, इसके बराबर में इसके क्या रेट है? ये 3500। 3500। अच्छा, ये जो नीचे वाले सेक्शन में लगे हुए इनके क्या रेट सेक्शन वाले? ये पड़ेगा आपके लिए 2000, वो वाली पड़ेगा 1800। अच्छा, ये वाला पड़ेगा 1600। 1600, जबरदस्त, मतलब वो अभी रेट बढ़ के जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे।
अभी ऐसे ईद खत्म हुई है उसके बाद से जो है ना लोगों का रश में देख रहा हूँ काफी कम हो गया है, तो क्या लगता है कि अभी आगे जो ईद आने वाली है बकरा ईद, क्या उसमें रश लोगों का बढ़ेगा महंगाई के मामले को? बढ़ेगा लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा रश कम होता है ना। अच्छा, पिछले साल में अब रश में काफी कमी आई है? बहुत काफी पपी आ गया, पहले बहुत रश था अभी कमी आ गया, और इसमें बिजनेस भी काफी इफेक्ट हुआ है यानी कि कम हो गए ना। ओ अच्छा, अच्छा ये बताते चलें कि इस वक्त लड़कियों में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज, किस ड्रेस की चल रही है कि ये वाला ड्रेस ज्यादा खूबसूरत है या ये वाला ज्यादा चाहिए? ऊपर वाले का, क्योंकि वो शादी में ज्यादा चलते हैं। शादी में अभी सीजन जैसे शादियों का शुरू होने वाला है, शुरू ना, इस वाले में लड़की बहुत पसंद कर, लेकिन उसके बाद जो रकम होते हैं उसके पास कम होते हैं, ये चीज आता है महंगा, परेशान होते हैं कस्टमर। ये बात है, ये बात पीछे से माल महंगा आ रहा है, जब पीछे से माल सस्ता होगा तो इधर सस्ता देगा, यही बात है। मेन चीज इसका क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल का रेट कम होगा तो इधर सब चीज कम होते हैं, पेट्रोल भी इस वक्त 300 रुपए लीटर, और रेट बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बात ये। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त इनके अलावा और कोई ड्रेसेस वगैरह आपके पास होते हैं या यही साइजेस वगैरह हैं? तो है, फिलहाल बंद हो गए। अच्छा अच्छा, अभी पैक करने वाले पैक बस हो गए ना, बंद। अच्छा, बाजार की टाइमिंग क्या है वैसे? टाइमिंग सुबह 10 से शुरू हो गए रात 7 बजे तक, रात 7 बजे तक। और कुछ मार्केट, कुछ ऐसी चीजें जो लेट नाइट खुली रहती है लाइक 10 से 11 बजे होता है, चलते हैं, लेकिन अभी बंद हो गए, सीजन में चलते हैं, सीजन पे चलते हैं, अभी जस्ट ईद खत्म हुई तो उसके बाद लोगों का रश कम है, तो नॉर्मली 7 बजे नॉर्मल चलते। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब। सर ओके ओके। अच्छा जी, तो मैं मार्केट में, अगर आपकी इस वक्त कंडीशन देखें तो इतना ज़्यादा रश मार्केट में नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक्त अभी भी आना जाना चल रहा है, अभी भी शाम की तकरीबन 6 बज रहे होंगे, ऑलमोस्ट मुझे एक घंटा हो गया मार्केट में घूमते हुए, तो अभी भी जो है लोगों का अगर आप देखें तो रश जो है बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह यह है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि ईद गुजरी है। तो मार्केट में हमें आमिर खान साहब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं देखा बड़ी खूबसूरत लेसेस वगैरह और ऊपर कपड़े वगैरह लगाए हुए, मार्केट की इस वक्त अगर हम कंडीशन देखें तो अभी लोगों का हजूम कम है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल में बात यह है, अभी तो एक तो ईद गुजर गई है और ऊपर से महंगाई ने लोगों का हालात बहुत खराब किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में आजकल के दौर में आपको पता है कि पेट्रोल का लीटर 300 रुपये का हो गया है। आजकल लोगों को खाने का नहीं मिल रहा, स्कूल का फीस नहीं मिल रहा, लोगों को गैस का नहीं मिल रहा, बिजली का नहीं मिल रहा, घर का किराया दे दे, किस चीज़ का पैसा बढ़ जाए, वो इसकी वजह से बाजार सारा खाली पड़ा हुआ है जी। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह हम जानते हैं कि करंटली ईद अभी ख़त्म हुई है, उसके बाद भी कहीं बचत बाजार का सुना जा रहा है, कहीं परसेंटेज ऑफ का सुना जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है कि इतनी ज़्यादा जो महंगाई चल रही है उसके दौरान भी यहाँ पर इतने बचत बाजार पर लोगों को कोई वाकई में परसेंटेज ऑफ मिल रहा है या ये सिर्फ अफवाह फैलाई हुई है? परसेंटेज तो कोई भी नहीं है, बस ये खाली एक अफवाह फैला हुआ है। परसेंटेज तो आजकल आपको पता है बाजार में खाली बस टाइम पास करने, दिन गुजारने, परसेंटेज कोई वो है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, बचत के बारे में कोई सिलसिला ही नहीं है। पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल जो ईद उल फितर गुजरी है उसके बाद जो मार्केट में हजूम था या रश था या उस दौरान जो रश था, क्या इस साल हमें वो चीज़ देखने को मिली है? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं था इस बार। उसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं कि महंगाई है या लोगों को जो है ना पहले से बहुत सारी चीज़ें मिल गई, या क्या वजह इसके पीछे? वजह सबसे बड़ी है महंगाई की, महंगाई का वजह है। उसमें जो है ना गरीब मखलूक भी, अभी ये लेस था उस टाइम 10 रुपए का था, ठीक है, अभी 20 रुपए है, ये वाला हम बेचते थे उस वक्त 30 रुपए का, अभी 80 रुपए का चलाते, 80 रुपए का। अभी गरीब मखलूक किधर से ले सकते हैं ये कपड़े? हम लोग चलाते थे सही, ये जो बराबर में कपड़े लगे हुए सारे, ये एक सूट मिलता था ये वाला 1000 रुपये का, सही है, अभी कितना क्या तकरीबन 2500 रुपये का अभी खुद बेचते हम लोग यहाँ पे। अच्छा भाई, कहता महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो प्राइस है वो डबल से ऊपर जा रहे हैं, डबल से भी ऊपर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से जो मार्केट इतनी इफेक्ट हुई, डबल तो फिर भी सही है, डबल से भी ऊपर चले गए। वह जो सादा कपड़ा पड़ा हुआ है वो सामने आपको नजर आए, जहाँ पे वो सादा कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लेडीज कस्टमर एक शलवार लेता था 100 रुपए का, 150 रुपए का, अभी वो एक शलवार 350 रुपए का मिल रहा है, वो लेडीज शलवार का कपड़ा है, क्या बात, 350 रुपए का। मर्दाने का कपड़ा मिलता था 800 रुपए का जोड़ा, अभी बेकार सा मर्दाने का जोड़ा ले लो सादा सिंपल सूट 1500 रुपए का। अच्छा ये बताएं कि अभी आगे आने वाले हालात को अगर हम सोच में रखें तो क्या मार्केट में कोई रेट में कमी आने वाली है, कोई बजट वगैरह आने वाला है, या हमें इसी तरह के हालात में गुजरना पड़ेगा? यार हमारा जहन तो नहीं मानते कि पाकिस्तान में जब एक चीज़ महंगा हो जाए और फिर उसके बाद सस्ता हो जाए, नहीं ये तो बहुत नामुमकिन। अब तक ऐसा नहीं देखा हमने, नहीं, बढ़ते भी देखा। हमारी पैदाइश में, जब से मैं पैदाइश पाकिस्तान, मेरा पैदाइश पाकिस्तान है, जब से मैं पैदा हूँ पाकिस्तान में 27 साल उम्र है हमारा, ये 27 साल में हमने एक चीज़ बढ़ते हुए वापस कम करते हुए नहीं देखे। क्या बात है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, यानी कि इरादे है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बढ़ जाएगा, बढ़ने की उम्मीद है, कम करने की उम्मीद नहीं है, ये तवक्कु है हमारा।
ठीक हो गया, महंगाई और हो जाएगा। अच्छा मौसम के बारे में क्या कहेंगे, खूबसूरत मौसम चल रहा है। तो बड़ा सुहाना मौसम है, अभी एक दो दिन पहले बड़ी जबरदस्त तेज तरार बारिश हुई है, कोई 6-7 घंटे मुसलसल बारिश चलती रही थी। तो उसके बाद क्या उस वक्त बाजारों में, उस वक्त जो दिन था क्या उस वक्त बुध बाजार था, आई थिंक संडे बाजार था, संडे बाजार, हाँ, तो इतवार बाजार इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से, लगाया गया था या बंद हो गया था? इतवार बाजार इसकी वजह से नहीं लगा हुआ था क्योंकि वो ईद का चौथा दिन था। ईद का चौथा दिन, ऐसा ही है, लोग जो है ना उस दिन कोई पार्क जाते थे, कोई स्विमिंग चले जाते, कोई घूमने के लिए पिकनिक वगैरह मनाते ना अपने फैमिली के साथ। ईद के दिन तो एक दूसरे से मिलने के होते, अपने रिश्तेदार अपने घर आते जाते, ठीक है, उसके बाद जब लोग फ्री हो जाते तो इंजॉय करते, ऐसा ही है। आज का दिन हमारा फर्स्ट बाजार है। अच्छा, ईद के बाद से अब पहला बाजार, फर्स्ट बाजार है हमारा, सही से। अच्छा फर्स्ट बाजार है, फिर भी लोगों का इतना रश नहीं देखा जा रहा मुझे, नहीं, मैंने कहा काफी ज्यादा, मैं समझा था काफी रश होगा, जगह फिरने की जगह नहीं होगी। ये मंगल बाजार शायद आप या फर्स्ट टाइम आए होंगे या पहले भी कभी आए होंगे, लेकिन हमारे आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो गया। इस बाजार में ऐसा रश होता है ना कि लेडीज के आने जाने का रास्ता नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक आप चले जाओगे ना, मेरे अंदाजे से आधे घंटे तक आप यहाँ से वहाँ तक निकल जाओगे, इतना ज्यादा रश, आधे घंटे के अंदर आप यहाँ से वहाँ तक चले जाओगे। और अभी देखे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मतलब कोई रश ही नहीं है इधर, आधे घंटे, हकीकत बात बता रहा हूँ, ये रोजी पे आधे घंटे यहाँ से वहाँ तक आप निकल जाओगे, इतना रश होता है यहाँ पे। क्या भाई कहने हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी लड़कियां वगैरह जो चीज़ें वगैरह खरीद रही हैं, क्या उनकी कोई अभी डिमांड वगैरह चल रही है कि ये तरह की चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ वैसी नहीं, ये यूँ है वो है, कोई लेसिस वगैरह में कोई लेके चल रही हो कि ये क्वालिटी इस वक्त ज़्यादा चल रही हो? नहीं नहीं, बस वो ये कहते हैं कि कितना क्या है, समझ गया। ये कितनी बेचारी क्या करे, जब एक बंदा समझते कि यार हमें 2 सूट का लगाना है ना, वो 1 सूट का लगाते, सही। एक दुपट्टे का लगाते वो 2 सूटों के साथ चला देते, बस वक्त को धक्का देते वो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आमिर खान, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इसरार पाशा साहब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं? करम है अल्लाह का भाई, करम है। अच्छा ये देखिए आपने स्टॉल पे बड़ा जबरदस्त खूबसूरत पौनिया होनी है बच्चियों के और लड़कियों के, बड़े खूबसूरत चीजें लगाएंगे, थोड़ा इसके बारे में रेट शेट बताएंगे या क्या स्टार्टिंग है क्या एंडिंग प्राइस है? बड़े भाई हम बाजारों में करते हैं सेल पे काम, अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके की महंगाई चल रही है ना, इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेल बनाई हुई है। अब जैसे कि ये कहीं से भी लें 150 रुपये का केचर मिलेगा, हमने 30 रुपये की सेल बनाई हुई है। क्या बात है, आओ यहाँ बाबा मार्केट पे उतरो, बैतुल हमजा के सामने बाजार लगा हुआ, किसी से भी पूछ लेना इसरार पाशा का स्टॉल, कुछ भी ले जाओ यहाँ से वहाँ तक सब 30-30 रुपये में, सब कुछ 30-30 रुपये खत्म कर रहे हैं भाई, वो काम ही खत्म कर दिया, पूरे पाकिस्तान का चैलेंज है, कोई लाके दिखा दे 30 रुपये में। भाई ये देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर 30-30 रुपये के हिसाब से भाई ने जना वो सेल लगा दी पूरी, इस वक्त मंगल बाजार के अंदर लांडी नंबर 3 के पास एड्रेस भाई ने अभी कंफर्म किया, सारी चीजें जितनी भी यहाँ पर इस वक्त 300-300 रुपये की। लोग आगे बोलते हैं भाई चुरा के ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, जो होलसेलर है वो परेशान है कि 30 रुपये में बेच के दे, अल्लाह बरकत दे रहा है, 1-1 रुपया मिलता है, किसी पर नहीं भी मिल ले खैर है, बस ये आवाम को फायदा होना चाहिए, खवातीन का भरपूर यहाँ रश होना चाहिए बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं है, स्टॉल पे कितना रश लगा हुआ है, एक लेडीज के ऐसा नहीं है कि किसी को हम पैसे काट रहे हो, ये कुछ कचाकच रश है यहाँ से वहाँ तक, देखो भाई दे रहा हूँ रुक जाओ। अच्छा 800 रुपये काटो इनके भाई, इनके 600 रुपये काटो। अच्छा ये बताएं कि जैसे ईद अभी खत्म हुई है, ईद के बाद क्या बिजनेस पे कोई इफेक्ट हुआ है? नहीं नहीं बड़े भाई, अभी जो ईद में कमाए ना अभी चुरियां वुरियां लेके रख रहे हैं, बकरा ईद पे जानवर काटेंगे और क्या। अच्छा जैसे बकरा ईद भी अभी हम जानते हैं कि करीब है, तो क्या आपका अंदाजा है कि अभी इस वक्त मार्केट में दोबारा रश बढ़ेगा इन चीजों के ऊपर जैसे पहले था? हाँ अब बढ़ेगा बड़े भाई, जैसे अभी तक ये लेडी से ले जा रही थी, अब ये गाय बकरियों के लिए बिकेगा, ये ले जाएंगे लोग बकरियों के लिए, बकरियों के लगाएंगे, गाय के लगाएंगे, देख रहे हैं आप 30 रुपये में। गुड हो गया, गुड। अच्छा अभी जैसे हम जानते हैं बारिश वाला मौसम जो है बड़ा जबरदस्त खूबसूरत हो रहा है, पिछले टाइम बड़ी तेज बारिश भी हुई थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि कोई चांस है बारिश का, जैसे आगे वाला स्पेल बताया भाई? बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश हो हम तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ बैठे, टेंशन नहीं है, बारिश होना चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग फाइटर लोग हैं, वाले लोग नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत करके कमाने वाले, अभी यहाँ से सेल करेंगे, बताया ना बकरीद के लिए चुरियां वुरियां लेके रखेंगे, फिर बरसाती कसाई बन के जाएंगे, जानवर काट रहे, अल्लाह एक बार जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच पाशा साहब, ओके अल्लाह हाफिज़। बाबू रशीद मिले, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपके पास बड़े खूबसूरत कप वगैरह लगे हुए हैं, क्या इस वक्त स्टार्टिंग और एंडिंग प्राइस क्या चल रही है, शुरू कितने से हो रहा है? शुरू ये 450 से लेके 350 तक का, 350 से 450 तक है। अच्छा अच्छा ये बताएं कि हम बड़े खूबसूरत ये जग कैटल टाइप लगाए हुए हैं, इसके क्या रेट चल रहे हैं? 350 के दे रहे हैं।
और ये 700 रुपए के दे। अच्छा ये 750 रुपए का चल रहा है। अच्छा रेट है यानी के जो नहीं भाई, अगर हमारी तरफ से कोई आएगा उसको और मुनासिब कर दिया जाएगा। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, गुड हो गया। अच्छा ये बताएं कि ईद जैसे अभी हमें पता है कि खत्म हो चुकी है, ईद के बाद जो ना काम थोड़ा स्लो हो जाता है, ईद के पहले तो सही था काम, अभी ठंडे हो गए थोड़े हल्के। तो अभी क्या लगता है जैसे अगले महीने ईद आने वाली, 2 महीने बाद आई थिंक सो, नहीं तकरीबन जो ना 15-20 दिन के बाद इंशाल्लाह सेटिंग 15-20 दिन के बाद ऑलमोस्ट। अच्छा ये बताएं कि ये बाजार की टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। अच्छा क्या लगता है कि जैसे कल परसों बारिश का बड़ा जबरदस्त मौसम रहा था, अभी भी अगर हम देखें तो बादल काफी जो ना वो आए हुए ऊपर आसमान पे, बस गर्म है मेहरबानी होगी अल्लाह ताला बरसात देंगे तो फिर क्या करेंगे। सही सही सही, ये बात है, बहुत थैंक यू जनाब। अभी अगर आप देखें ना यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं बारिश का पानी जो है वो रुका हुआ है, उसकी वजह यह है कि बारिशों का जो सिलसिला है अभी ही जो है ना वो रुका है, और बाज़ार जो है अभी ईद की वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट हुए हुए हैं। बाज़ार जो है तकरीबन 6-7 बजे तक ऑलमोस्ट काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी चीज़ें जो बंद हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें पैकिंग वगैरह चल रही है, सामान वगैरह जो है ना वो बिस्तरा टाइप बंद करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईद अभी ख़त्म हुई है और लोगों का जो रश है वो बिल्कुल जो है ना वो ना होने के बराबर है। हालांकि जैसे कि खान साहब ने बताया कि इधर जो है ना बड़ा रश रहता है, लोगों का गुजरने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना बाज़ार की कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और सामान वगैरह ये ख़ुद इस वक्त पैक करके जा रहे हैं, वरना नॉर्मली इसकी टाइमिंग जो है ना वो रात 10 बजे तक 11 बजे तक होती हैं, लेकिन ये जल्दी यूँ बंद कर रहे हैं कि काम ही नहीं है, लोग यहाँ पर इतना रश ही नहीं है, ख़रीदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई हो रही है, ईद अभी ख़त्म हुई है तो ईद के फौरन बाद तो ज़ाहिर है इतना कोई शॉपिंग का रुझान रहता नहीं। ईद के टाइम में चांद रात के टाइम में लोग ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं तो सारा जो पैसा वैसा होता है उधर खर्च हो जाता है। तो ये कि ईद जब ख़त्म हो गई उसके बाद अभी शादियों का सिलसिला, वैसे अभी अगर कहा जाए तो शादियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन जहाँ तक एक अंदाज़ा जाता है कि चांद रात वाले दिन या ईद के टाइम पर ही लोगों ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी कर ली, सारा सामान वगैरह वहीं से ले लिया होना, इस वजह से जो है काफ़ी जो है ना वो बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर लोगों का रश अभी भी काफ़ी कम है, हालांकि लोग अभी सामान वगैरह पैक कर रहे हैं जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर लोगों का इतना रश है ही नहीं। अच्छी जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडीज़ खुद से बड़े खूबसूरत करके लगाए हुए हैं, 350 रुपये के यहाँ पर इस वक्त मिल रहे हैं। ये जो सेल लगी हुई है ये इस वक्त 350 रुपये की यहाँ पर जो वो खुद से मिल रहे हैं, जैसे अभी आगे आपको पता है इवेंट्स वगैरह आने वाले हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त करके बड़े खूबसूरत करके जो है ना यहाँ पर लड़कियों के खुद से वगैरह मौजूद हैं, काफ़ी ब्राइडल लुक दी हुई है, जैसे देख सकते हैं आप रेड है और ब्लैक का शर्ट दिया हुआ है, और साथ में ये प्योर जो रेड कलर का होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ब्लैक कलर में मौजूद है। 350 रुपये का भाई ने बताया यहाँ पर एग्जैक्ट सेल लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो लाजमी ये खुस्से वगैरह भी लेंस के साथ यहाँ पर कुछ चप्पलें वगैरह भी मौजूद हैं। नॉर्मली यहाँ पर 2 चप्पलें भी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मौजूद है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत करके चप्पलें वगैरह भी लगाई हुई हैं, और ये छोटे यार ये इनके क्या रेट चल रहे हैं इनके? हाँ 350 की सेल है। ये भी 350 के, यार देखो माशाल्लाह छोटे बच्चों के खुस्से कितने वो क्या कहते हैं उसको, खिड़ी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त करके यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, तो आप लाजमी आए यहाँ से जो है लेते जाए। मार्केट में हमें अब्दुल रहमान साहब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक? अल्लाह का करम आपकी दुआ। अच्छा मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अबाया वगैरह लगाए हुए हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग रेट क्या चल रही है इस वक्त? 1000 रुपये से स्टार्ट है, 2500 तक एंड बस। अच्छा ये बताएं कि क्या पिछले साल के मुताबिक इस दफ़ा में रश में कोई कमी वगैरह देखने को आई है? नहीं नहीं बस शुक्र अल्लाह का सबसे, मतलब कारोबार चल फिर रहा है बस शुक्र अल्लाह। अच्छा ये अबाये जो यहाँ पर लगाए हुए हैं इसके क्या रेट चल रहे हैं? ये लाइन से कौन से वाले? इनके डिफरेंट डिफरेंट रेट चल रहे हैं। 1000 रुपये का ये, ये 1000 रुपये का, 900 रुपये का याला होता है फाइनली। अच्छा मतलब अगर हमारी तरफ से कोई आएगा 900 का पड़ जाएगा उसको जी, क्या बात है। और याला 1000 रुपये का है, ओपन शेड पे, क्या बात है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई। और याला ये देखें बड़ा गियर वाला ये, सही सही सही, 1300 रुपये का फाइनल, 1300 रुपये का, 1300 रुपये का, मतलब अगर कोई हमारी तरफ से आया तो कहीं ना कहीं रेट मिल जाएगा 1300 का देंगे। और याला आया हुआ है डबल कोट वाला 1200 रुपये का, ये 1200 रुपये का भाई, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त जो सभी लगे हुए डिजाइन वाले कलर वाले। सही, ये एक कोई सा भी निकाल दो इसमें से, दिखा दो किस तरह का डिजाइन कलर है, बस पता लग जाएगा। एक पीस याला लगा हुआ ये देंगे। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इसके साथ कोई स्कार्फ दुपट्टा वगैरह होता है? ये सिर्फ अबाया है, सिर्फ सिर्फ ये
सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह हम जानते हैं कि अगले बकरा ईद मतलब आने वाले करीब एक दो महीने की दूरी पर है, लेकिन अभी अगर हम पिछले साल के मुताबिक देखें लोगों का रश बड़ा जो है ना वो कम कम देखने को मिल रहा है, तो क्या इस वजह से ही ये जल्दी बंद करने की टाइमिंग वगैरह की गई है, वरना नॉर्मली 10 बजे 11 बजे तक ये चलता है? होता है 10 बजे तक बंद होता है। पहला है ना ये ईद के बाद का पहला हमने लगाया है, तो इसलिए बस जा रहे हैं जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, 10-11 बजे तो का टाइम, वरना ये सुबह 8-9 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता रहता है। माशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान साहब। अगर आप यहाँ देखें तो बच्चों की टी शर्ट पैंट्स जीन्स वगैरह टाइप बड़ा खूबसूरत करके जो है ना यहाँ पर लगाया हुआ है, और रेट जो है ना भाई ने बताया 400 से स्टार्ट है और 400, 500, 600 ऐसे जो है वो रेट चल रहे हैं। इसमें भी मुनासिब हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, बस ये कि आप देखें अगर ईद अभी जैसे ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी त्यौहारात वगैरह चल रहे हैं और उसके साथ जो है अभी एक दो महीने बाद बकरीद भी आने वाली है, तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत करके छोटे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए हैं, अच्छी रेट में इस वक्त यहाँ पर मिल रहे हैं। एड्रेस मैं दोबारा बताता चलूँ, लांडी नंबर 3 है और यहाँ पर मंगल बाजार लगता है, द एजुकेटर स्कूल्स के बिल्कुल सामने ये बाजार लगता है। यहाँ पर अगर आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त करके यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे पैक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट बंद होने वाली है क्योंकि लोगों का रश नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ईद के बाद ये पहली मार्केट अभी लगी है। मार्केट में ज़ुहैब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये देखें यहाँ पर बताया आपने बड़ा खूबसूरत करके लड़कियों के बच्चों के ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए हैं, इस वक्त क्या ऊपर की जब सबसे फर्स्ट होगी हम बात करें क्या स्टार्टिंग रेट है इनके? ये आपको अल्लाह भला करे, ये 1350 का भी है, इसमें 1500 का भी है, 1600 का भी है, 1200 का भी है, मुख्तलिफ प्राइस है मतलब इसका मतलब। ठीक हो गया। अच्छा इस वक्त जो है यहाँ पर अगर हम देखें कि ईद के हिसाब से आगे जो 2 हफ्ते 9 महीने बाद ईद भी आने वाली है, शादियों के सिलसिले भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सेल वगैरह का बंदोबस्त वगैरह है या अभी करेंगे? सेल तो हमारे पास बाबा की होती है, बाबा ये लगे हुए सेल। अच्छा। 500 रुपए के बाबा है सेल में, 500 रुपए के बाबा है, क्या बात है क्या बात है। अच्छा ये बताएं इस वक्त बच्चियों के ड्रेसेस की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है इस वक्त? अभी तो फिलहाल ये बिक रहा था, ये सबसे ज्यादा मांग की जा रही फ्लैपर वाला जी, ये दो फ्लैपर वाले सब में फैंसी में बिक रहे हो, जी शेफोन पैंट वाले। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आपके पास और भी साइजेस वगैरह मिल जाते हैं या साइज आपके फिक्स हुए हैं? हमारे पास साइज 34 तक के साइज होते हैं, 34 तक के साइज होते हैं। अच्छा इनके क्या रेट चल रहे हैं ये बाबा के? 500 रुपए की सेल है, 500 रुपए में कोई से भी बाबा को उठा के ले जाओ, सेल लगी कोई सा भी ले जाओ, तो भाई 500 रुपए का कोई से भी उठा के ले जाओ बाबा का, यहाँ पर मार्केट में सेल लगी हुई है इस वक्त, जो चीज समझ आती है आते जाओ और लेते जाओ। अच्छा जी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त करके ज्वेलरीज वगैरह लगाई हुई हैं, इसके रेट अगर मैं बताता चलूँ तो रेट भाई ने बताया कि 150 रुपये से शुरू हो रहा है और 400-500 इस तरीके से जो है ना रेट चल रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और अलग अलग इनके प्राइस रेट हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग्स वगैरह माशाल्लाह से हर तरह की मौजूद है, उसके बाद नेकलेस और सारी चीज़ें जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड होती हैं, उसके बाद हेयर बैंड वगैरह सारे मौजूद हैं, उसके बाद टॉप्स वगैरह अगर आप यहाँ देखें बड़े ज़बरदस्त करके टॉप्स वगैरह लगाए हुए हैं, उसके साथ लाइन्स अगर आप देखें सिल्वर कलर के और बड़े खूबसूरत से यहाँ पर टॉप्स वगैरह लगाए हुए हैं। रेट मैंने बताया आपको कि 150 रुपये से शुरू है और 400-500 ऐसे चल रहा है। अच्छी जगह आप यहाँ पर देखें बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ वगैरह जो हैं यहाँ पर मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में अलग अलग चमकदार चूड़ियाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं रेट की बात करूँ तो भाई जैसे भी मुझे बताया कि स्टार्टिंग रेट जो है वो 50 रुपये से शुरू है और 150 रुपये तक जो है वो चूड़ियाँ जा रही हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चूड़ी पसंद करते हैं, किस साइज़ की चूड़ी पसंद करते हैं, किस ब्रांड की पसंद करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर बड़ी खूबसूरत और जैसे भी देखा गया शादियाँ वादियों का सिलसिला देखें बड़ी खूबसूरत ब्राइडल चूड़ियाँ वगैरह टाइप जो पूरा फैंसी चूड़ियाँ जो यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा ये देखें आप पर्पल कलर सॉरी ब्लू कलर कितना जनाब एट्रैक्टिव लग रहा है, साथ में सिल्वर कलर है उसके साथ भी चूड़ियाँ मौजूद हैं, गोल्डन कलर है उसकी भी चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये चमक है ये सारी 50 रुपये वाली हैं भाई, ये सारी जितनी भी यहाँ पर इस वक्त चूड़ियाँ देख रहे हैं ये सारी 50 रुपये की चूड़ियाँ इस वक्त यहाँ मार्केट में मिल रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं और हर तरह की चूड़ियाँ हर तरह की जो है ना साइजेस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर लाजमी आएँ और चूड़ियाँ वगैरह लें, क्योंकि सीज़न अभी चल रहा है, सेल अभी लगी हुई है, कुछ पता नहीं कब महंगाई हो जाए कब प्राइस रेट जो ऊपर हो जाए, इससे पहले कि पैसे बढ़ें आप आ जाओ मार्केट में और ले जाओ। अगर आप देखें तो अभी बाज़ार जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि सारे आधी से ज़्यादा चीज़ें पैक हो गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम देखते चलें उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन से मतलब ईद का पहला बाज़ार लगा हुआ है और लोगों का रश अभी कम है क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं, पैसे वगैरह सारे जो है ना वो ईदों के मामलों में ईदों में चांद रात में सारे जो है ना वो लग गए हैं, इस वजह से जो है ईद का इस वजह से जो मार्केट में रश है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉल्स खुले हुए हैं, कहीं बंद हो चुके हैं,
और कहीं जो है वो पैकिंग चल रही है, बंद करने की जो है ना वो तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं इस वक्त। और अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप देखते चलें, आई मीन देखते चलें, तो यहाँ पर आधे ज़्यादा पैकिंग वगैरह हो चुकी है। बाज़ार अभी भी कुछ खुला हुआ है, कुछ बंद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो मैंने आपको पहले बताई। तो अभी आगे जो भी बाज़ार वगैरह आते रहेंगे, बाज़ारात वगैरह जो भी होंगे, वो हम सब कोशिश पूरी करूँगा मैं वो सब कवर अप करने की, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि इस वक्त क्या प्राइस रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, किस हिसाब से जो है ना वो कीमतें वगैरह चल रही हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है, कब महंगाई फ़ौरन बढ़ जाए। पेट्रोल भी 300 रुपये लीटर हो गया, बताओ ज़रा। मुझे खुद इतना दूर आना पड़ता है, इतना ज़्यादा मेरा पेट्रोल लग जाता है। तो बताने का मकसद यह है कि बस आप लोग लाजमी सपोर्ट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बत दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, ताकि यह है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो हौसला अफजाई जो है वो हो सके। अच्छा, मैं बता मार्केट के बारे में रहता था कि अभी आगे आने वाले जो भी बाज़ार वगैरह होंगे इंशाल्लाह उसको भी हम कवर अप करेंगे पूरे तरीके से, ताकि जो है कहीं पर भी कोई चीज़ जो है वो बाकी ना रहे, हमें अपडेटेड प्राइस वगैरह मिलते रहें, लड़कियों के ड्रेसेस वगैरह और उनके चप्पलें वगैरह, साड़ीज वगैरह, मेकअप का सामान वगैरह, सारी चीज़ें हमें मिलती रहें। तो उम्मीद यही है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है किसी नई और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।